नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल। आप जान रहे हैं कि पूरे देश में इस समय बिजली का अभूतपूर्व संकट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो ये आशंका है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो वहां ब्लैकआउट हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में पहले से ही बिजली कटौती चल रही है, शुरू हो गई है और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि स्थिति को संभाले, वहां बैठ के चल रही है। लेकिन इस विषय पर सबसे जानकार कोई व्यक्ति अगर है देश में तो वो है शैलेंद्र दुबे, जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन हैं और इन्हें पूरी जानकारी है विद्युत के प्रबंधन की, बिजली बनती कहाँ से है, वितरण कहाँ होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे चलता है। शैलेंद्र दुबे जी, ये बताइए कि आप लोगों के रहते हुए कैसे इतना बड़ा देश में बिजली का संकट आ गया कि कोयला ही नहीं बचा है, 4 दिन का कोयला बचा है और जबकि अब पूरी जो लाइफ है वो बिजली पर आधारित हो गई, मतलब जिंदगी हमारी बिजली पर निर्भर हो गई है और हालात इतने खराब हो गए हैं, संकट जैसी स्थिति आ गई, तो हुआ कैसे? देखिए, मैं इसको इस प्रकार से समझाऊंगा आपको कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का एक मापदंड है और मापदंड इस हिसाब से है कि चूंकि जुलाई से सितंबर का महीना वर्षा का महीना माना जाता है तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का ये मापदंड है कि अप्रैल से जून के बीच में जो ताप बिजली घर हैं वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम 20 दिन का स्टॉक अपने पास रखें, ये मापदंड है। 20 डेज का स्टॉक बिजली घरों के पास होना चाहिए। और अभी आपने बताया, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले यह बताया है कि 2 से 3 दिन का कोयला बचा है। तो पहली बात तो यही है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मापदंडों का पालन नहीं हुआ है, इसलिए ये परिस्थितियाँ आई हैं। दूसरी बात, परिस्थितियों के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो उचित नहीं है। पहला तर्क तो ये दिया जा रहा है कि पैंडेमिक के कारण से पिछले वर्ष बिजली की इतनी मांग नहीं थी, इस साल बिजली की मांग बढ़ गई है। तो यह मांग तो बिजली की करीब 16% बढ़ी है, लेकिन बिजली की मांग बढ़ जाने से संकट नहीं है, संकट कोयले की उपलब्धता न होने के कारण से। जो सामान्य बिजली घर राज्य के अपने बिजली घर थे वह भी बंद पड़े हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में 4 बिजली घर हैं, अनपारा, ओबरा, परीक्षा और हरदोगंज, 8 इकाइयाँ बंद पड़ी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग इस समय करीब 18,000 मेगावाट है और उत्तर प्रदेश का अपना उत्पादन 3,500-4,000 मेगावाट होता है। तो उत्तर प्रदेश का अपना उत्पादन भी बंद पड़ा है, तो इसका बिजली की मांग में इजाफा होने के कारण से बंद नहीं है, यह बंद इसलिए है क्योंकि कोयले की उपलब्धता नहीं है। तो सीधे सीधे ये मैनेजमेंट का फेलियर है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मापदंडों का पालन नहीं किया गया। दूसरी बात, एज एन इंजीनियर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी पहली बार इस देश में नहीं बरसा है, पानी तो हर साल बरसता है और मानसून का, हर प्रांत का मानसून का पीरियड मालूम है कि किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में पानी बरसेगा। जो है कोयला खदानें भी सब खुली नहीं है, ओपन नहीं है, कोयला खदानें कुछ बंद भी हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, मेरी कोल इंडिया के लोगों से भी बातचीत हुई है, मैं मानता हूँ कि कोयला खदानों में पानी चला गया है, ईस्टर्न कोल फील्ड में चला गया है ज़्यादा, सेंट्रल कोल फील्ड में भी कई कई स्थानों पर चला गया है, लेकिन वेस्टर्न कोल फील्ड में कोयले में पानी नहीं गया है, वेस्टर्न कोल फील्ड में। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश के भी बिजली घर बड़े पैमाने पर बंद है, इसलिए ये मिसमैनेजमेंट है सरकार को। ये मिसमैनेजमेंट है कि 3 हफ्ते का जो कोयला होना चाहिए अब 3 दिन के लिए बचा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये मिसमैनेजमेंट शीर्ष प्रबंधन का है। देखिए, कोल इंडिया के चेयरमैन का आज एक इंटरव्यू छपा है दैनिक जागरण और कुछ और जगहों पर भी ये खबर आई है। कोल इंडिया के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हम 16.5 लाख मीट्रिक टन सप्लाई कर रहे हैं कोल की, जो है 17.5 लाख मीट्रिक टन कोयले की उपलब्धता 2-3 दिन में हो जाएगी। लेकिन उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि इस महीने के अंत तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी, यानी इट विल टेक मिनिमम 20 डेज, 20 दिन। तब तक क्या होगा? तब तक दीपावली आ जाएगी, जो प्रकाश का पर्व है, तब तक अस्थिरता है बिजली को लेकर। जो है
दूसरी खबर ये छपी है कि 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कोल इंडिया का बकाया है जो सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों ने कोल इंडिया को जिसका भुगतान नहीं किया है। अब जब से राज्य बिजली बोर्ड तोड़ दिए गए हैं तब से एक अजीब सा परिदृश्य हो गया है। परिदृश्य ये हो गया है कि राज्य बिजली बोर्ड तोड़ने के बाद एक उत्पादन की कंपनी है, एक पारेषण की कंपनी है और वितरण की एक कंपनी है या कई कंपनियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में करण की 5 कंपनियां हैं। तो उत्पादन की कंपनी मुनाफा कमाती है, पारेषण की कंपनी भी मुनाफा कमाती है और ये दोनों कंपनियां मुनाफे पर इनकम टैक्स देती हैं और वितरण की कंपनी का अनेक कारणों से जो घाटा होता है उसके कारण से वितरण की कंपनी जो ड्यूज हैं उत्पादन की कंपनी के और पारेषण की कंपनी के उसको भुगतान भी नहीं कर पाती। तो उत्पादन की कंपनी इनकम टैक्स भी दे रही है और उसको जो बिजली बेच रही है उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है, ये दोहरी मार पड़ रही है। ऐसे में ये तीसरी मार है कि कोल इंडिया ने भुगतान न मिलने की वजह से कोयले की आपूर्ति बंद कर दी है। कोल इंडिया का ये कहना है कि हमने 3 प्राथमिकताएं तय की है। पहली प्राथमिकता पर इस संकट के समय में हम उनको कोयला दे रहे हैं जिनका एडवांस पेमेंट है जी। दूसरी प्राथमिकता उनकी है जिनका कोई ड्यूज नहीं है और तीसरी प्राथमिकता सरकारी कंपनियों की है जिनके ड्यूज है। जैसे यूपी का थोड़ा सा बताएंगे, यूपी का कोल इंडिया का यूपी पे कितना बकाया है यूपी की बिजली कंपनियों पर? ये अप्रैल से जून के बीच में मैंने कहा जैसे स्टॉक कर लेना चाहिए था, तो अप्रैल में ये करीब 2,500 करोड़ रुपए का बकाया था। फिर 2-3 किस्तें दी गई हैं लेकिन अभी भी लगभग 1,400 करोड़ रुपए का बकाया है। लेकिन बकाया है इसलिए ये थर्ड प्रायोरिटी में आ गया, तो पहली प्रायोरिटी एडवांस पेमेंट। और जो यूपी की जो वितरण कंपनियां हैं उनका उपभोक्ताओं पर कितना बकाया है? नहीं, यूपी की वितरण कंपनियों का अन्य उपभोक्ताओं पर कितना बकाया है वह भी मैं बता सकता हूं, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि सरकारी विभागों पर 15,000 करोड़ रुपए का बकाया है। सरकार की बनती है ना कि सरकार अपना 15,000 करोड़ रुपया वितरण कंपनी को दे और वितरण कंपनी जो 9,000 करोड़ रुपया देना है उत्पादन कंपनी का उसको दे। तो आज 1500 करोड़ जी ठीक है शैलेंद्र जी, एक तो बात ये हो गई कि ये टोटल मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है कि कोयले का स्टॉक नहीं किया गया, ये बारिश का बहाना मारा जा रहा है, एक तो ये बात साफ हो गई। दूसरा ये है कि जो बिजली की वितरण कंपनियां हैं उनमें भी या तो इनएफिशिएंसी है, अक्षमता है या भ्रष्टाचार है कि वो भी पैसा उपभोक्ताओं से वसूल करके विद्युत उत्पादन कंपनियों को नहीं दे पा रही और वो फिर कोयला कंपनियों को नहीं दे पा रही, ये एक तो ये स्थिति हो गई। क्या इसमें केंद्र सरकार के कोई नीतिगत भी गलतियां हैं और जिसकी वजह से कोयले का संकट आया, कोई नीतियों में भी प्रॉब्लम है पॉलिसी में? देखिए नीतिगत गलतियां तो अभी उसको पॉइंट आउट करना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन एक और बात भी कही जा रही है, वह यह कही जा रही है कि इम्पोर्टेड कोल की कास्ट जो है $220 से बढ़ के $430 हो गई है पर टन जो है इम्पोर्टेड कोल। तो इम्पोर्टेड कोल कौन इस्तेमाल कर रहा है? इम्पोर्टेड कोल NTPC में कहीं कहीं हो रहा होगा, बाकी इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनियां तो कहीं नहीं कर रही हैं। इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल वह कंपनियां कर रही हैं जो कोस्टल है, जो तटीय है, तटवर्ती हैं, क्योंकि वहां पानी के जहाज आ जाते हैं, सीधे कोयला ले आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आता है, इंडोनेशिया आता है, ये इंडोनेशिया से इंद्रघोष से आता है। मुंद्रा बहुत बड़ा केंद्र है गुजरात, मुंद्रा में 8,000 मेगावाट के बिजली घर लगे हैं, 4,000 मेगावाट का टाटा का बिजली घर है, 4,000 मेगावाट का अदानी का बिजली घर है। और वहाँ एक विवाद हो गया है, टाटा और अदानी ये कह रहे हैं कि चूंकि इम्पोर्टेड कोल की कीमत बढ़ गई है इसलिए हमारी बिजली की दरें बढ़ाई जाएं, और गुजरात की गवर्नमेंट ने ये कहा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दरें नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि जब आपने टेंडर किया था तो कोल प्राइसेस के करेक्टरिस्टिक को इंक्लूड करते हुए किया था, अब पोस्ट बिडिंग हाइक नहीं किया जा सकता। तो इस जिद में टाटा ने 4,000 मेगावाट का मुंद्रा पावर प्लांट 18 सितंबर से बंद कर रखा है, कोई और कारण नहीं है, जबरदस्ती उसको बंद कर रखा है। भाई टाटा एयर इंडिया खरीद सकते हैं, टाटा मुंद्रा का पावर प्लांट नहीं चला सकते,
कुछ अजीब 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 से बात ये तो ये लग भी एक टेसल है कहीं ना कहीं, ये भी एक मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम है सरकार के और टाटा के बीच में, या जो भी है बिजली ले रहे हैं बिल्कुल नीति। ये भी बताइए थोड़ा सा, अगर आप लुक पैक करें, आखिरी सवाल है मेरा संक्षेप में, कि क्या जो देश में अपनी कोयला खदानें विकसित करने का प्लान था बड़े पैमाने पर और बुला बुला के दिया जा रहा था कि भाई आप करिए, उसके खिलाफ जो तमाम मोर्चे बंदी हुई, क्या वो जो कोयला इंपोर्ट करती है लॉबी, यही लोग अडानी या और टाटा लोग, क्या इनकी लॉबी ने भी उसमें कुछ अड़ंगे मारे थे कि जो हमारे अपने देश के कोयला खदाने विकसित ना हो ठीक से और इंपोर्ट करके ले आए, क्योंकि उसमें ओवर इन्वाइसिंग भी करते हैं, तमाम तरह के धंधे हैं उसमें। बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है और इसकी पूरी गुंजाइश है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के पड़ोस में ही एक जगह है, अनपारा से के पास मध्य प्रदेश में पड़ती है, जगह का नाम है सासन जगह का नाम है। वहाँ पर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है अंबानी का, रिलायंस का। उनको पूरी कोयला खदान दी गई है और ये कहा गया है कि उस कोयला खदान में वो खनन का काम करें। अंबानी ने खनन का काम अभी तक नहीं किया, वो अपने लिए केवल अपने प्लांट के लिए कोयला ले रहे हैं। तो मिली भगत जो आप जो सवाल उठा रहे हैं कि जो कोल इंपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, खास करके ये जो कोयले के करार हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है, इनके अदानी के लिए, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। विशेषज्ञ इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि यह संकट जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं एज इंजीनियर इस बात को कह रहा हूं कि पानी पहली बार नहीं बरसा है, लेकिन इतनी बड़ी क्राइसिस तो पहली बार हुई और ये क्राइसिस ओवरनाइट नहीं हुई है, एक महीने से चल रही है, अब बहुत ज़्यादा एक्यूट हो गई है और अभी इसमें कुछ सुधार हो जाएगा दो चार दिन में। ये कोल इंडिया के चेयरमैन का अगर इंटरव्यू पढ़ें तो बिल्कुल साफ हो जाता है, दो चार दिन में कोई सुधार इसमें होने वाला नहीं। तो फिर लब्बो लुबाब ये भी निकलता है कि ये केवल मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये प्लान्ड है और वो लॉबी इसको इसमें इसके पीछे है जो कोयले का इंपोर्ट करने का बहुत बड़ा धंधा है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और इसीलिए जो हमारे अपने जो कोल कंपनियां हैं, कोल खदाने हैं, उनको ठीक से डेवलप नहीं होने दिया गया, एक और दूसरे जो हमारी अक्षमता है कि हम कोयला कंपनियों को उनसे जो लेते हैं उसका दाम भी नहीं दे पा रहे, जैसे कोल इंडिया वगैरह का। तो एक तरह से ये मिसमैनेजमेंट भी है, बैड गवर्नेंस भी है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये एक कोल्यूजन है जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं और कुछ कंपनियां जो कोयले का धंधा करती हैं, इंपोर्ट करना चाहती है, आर्टिफिशियल क्राइसिस भी हो सकती है ताकि आगे चल के प्रेशर क्रिएट किया जाए और उनसे उसमें अपना वो फायदा तलाशे। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, कोयले को भी लेके और बिजली को भी लेके, दोनों को लेके है, दोनों को लेके जी। तो इस समय जबकि मतलब देश में इतना बिजली का हाहाकार मचा हुआ है और वहां बिजली के कारखाने जानबूझ के बंद करना, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सौदा भी इसके पीछे समझ में आ रहा है, बड़ा गेम समझ में आ रहा है। निश्चय। तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र दुबे जी, आपने इतनी जानकारी दी, इतना बर्निंग टॉपिक है, हमारे श्रोताओं को दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।